सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो यहाँ पे सब में फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 1/3। 1/3 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सब में पहले याद रखना है, जब भी कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव नंबर जनरली जीरो के क्या होता है, राइट साइड में होता है। तो कभी भी एक लाइन ड्रॉ करना है और लेफ्ट साइड में हम लोग को यहाँ पे कॉर्नर पे जीरो लिख देना है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नंबर नहीं आने वाला, नेगेटिव नंबर नहीं है, नंबर पॉजिटिव है तो इसके राइट में आएगा, ठीक है। और अगर नंबर हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो कभी भी जीरो को किधर लिखना है अपने को, राइट कॉर्नर पे लिखना है, क्योंकि इसके लेफ्ट में सारे नंबर आएंगे, लेफ्ट में सारे नंबर आएंगे, राइट में कोई नंबर जाने वाला नहीं है। जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं ना। तो चलो सब में पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/3 को। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू जो नीचे बेस जो है उसको सिर्फ ध्यान देना है, कितना है ये 3 है, है ना। तो ये 3 है तो हम लोग को क्या करना है, यहां से पॉइंट लेते जाना है, कितने भी डिस्टेंस पे पहला पॉइंट लिया हम लोगों ने, यहां पे लिखेंगे 1/3, नीचे क्या है 3 तो 1/3। उसके बाद यहां पे आ जाएगा 2/3, उसके बाद यहां पे आ जाएगा 3/3। अभी देखो 3/3 मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। अब इसके आगे और नंबर कंटिन्यू करना है तो यहां पे आएगा 4/3, फिर आएगा 5/3, फिर आएगा लास्ट वाला हमारा 6/3। अभी 6/3 क्या होता है, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन, है ना। अभी हम लोग को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था, पहला ही 1/3। तो ये वाला हमारा नंबर है तो इसको मैं राउंड कर देता हूँ, ओके। उसके बाद देखो सेकेंड वाला नंबर हम लोग को दिया है, कौन सा वाला, -5/9, है ना। अभी नेगेटिव नंबर है इसलिए हम लोगों ने 0 राइट कॉर्नर पे लिखा, अभी लेफ्ट में नंबर आने वाले सारे, है ना। तो अभी क्या करना है हम लोग को, देखो बॉटम में क्या दिया है, 9 दिया है ना। तो सिंपल हम लोग को कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। देखो क्या लिखना है, -1/9 एज इट इज। उसके बाद क्या आएगा, -2/9, उसके बाद आएगा -3/9, उसके बाद आएगा -4/9, उसके बाद आएगा -5/9, है ना। उसके बाद आएगा -6/9, उसके बाद आएगा -7/9, ऐसे चलते जाएगा, है ना। जहां पे -9/9 आएगा वहां पे 1 लिख देना, है ना। हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना था, -5/9। तो देखो -5/9 यहाँ पे हमारा मिल चुका है हम लोग को, है ना। तो इसको हम लोग राउंड कर देते, ये मिल गया हमारा आंसर, -5/9 रिप्रेजेंट हो चुका है ना। अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है हमारा 8/5। इसको रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव नंबर है ना। तो पॉजिटिव नंबर है तो क्या रहेगा, 0 राइट में लिखना है। यहां से आगे हम लोग लिखते जाएंगे, डिविजन में क्या है, 5 है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/5, फिर आएगा 2/5, फिर आएगा 3/5, फिर आएगा 4/5, फिर आएगा 5/5। देखो 5 दोनों 5/5 आया तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 लिख देना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 6/5, उसके बाद आएगा 7/5, और उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा 8/5, है ना, जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना था। 8/5 हम लोग को मिल चुका है, है ना। सो 8/5 मिल चुका है तो आगे और लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। अभी देखो ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, -9/4। देखो अब -9/4 माइनस नेगेटिव नंबर है इसलिए 0 हम लोगों ने राइट साइड में लिखा। अब यहां से लेफ्ट में जाना है हम लोग को, डिवीजन में नीचे क्या है, 4 है ना। तो सब में पहला नंबर क्या आएगा हमारा, -1/4, उसके बाद क्या आएगा -2/4, उसके बाद क्या आएगा -3/4, उसके बाद क्या आएगा -4/4। देखो 4/4 आया मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, है ना। उसके बाद देखो उसके बाद क्या आएगा -5/4, है ना। उसके बाद क्या आएगा -6/4, उसके बाद क्या आएगा -7/4, उसके बाद क्या आएगा -8/4, है ना। अभी देखो 8/4 मतलब ये क्या है, 2 है ना। उसके बाद क्या आएगा देखो -9/4, है ना। उसके बाद क्या आएगा -10/4, है ना। तो हम लोग को रिप्रेजेंट करना था -9/4, तो -9/4 यहाँ पे आ चुका है, इसको राउंड अप कर दो, ये हमारा आंसर है ना। देखो 4/4 आया वहां पे 1 लिखना है और 8/4 आया वहां पे 2 लिखना है, ये -1 और ये -2 रहेगा, यहाँ पे माइनस में इसलिए -1 -2 रहेगा, ओके समझ में आया। अब कभी कभी हम लोग को ऐसे मिक्स प्रॉब्लम भी पूछते हैं, जैसे कि जिनका बेस सेम रहेगा, ऐसे दो नंबर जिनका बेस सेम है उनको हम लोग एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर कितने भी रहने दो, अगर बेस सेम है उनका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -5/6 और +7/6 ये दोनों नंबर को हम लोग को एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे केस में हम लोग 0 बीच में लेंगे, क्योंकि माइनस नंबर भी रिप्रेजेंट करना है, प्लस नंबर भी रिप्रेजेंट करना है। तो सब में पहले प्लस वाला नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जो राइट साइड में रहेगा, तो क्या है 7/6, डिवीजन में क्या है 6 है। तो सब में पहला नंबर क्या आएगा 1/6,
उसके बाद आएगा 2/6, उसके बाद आएगा 3/6, उसके बाद आएगा 4/6, 5/6, 6/6 क्या होता है 1, उसके बाद आ जाएगा हमारा 7/6, उसके बाद आएगा 8/6, है ना। हम लोग को 7/6 रिप्रेजेंट करना था, ये हो चुका है ना, आधा प्रॉब्लम खत्म हुआ। अभी -5/6 रिप्रेजेंट करना है, तो अब लेफ्ट में जाएंगे हम लोग, डिवीजन में क्या है 6 है, तो पहला नंबर क्या आएगा -1/6, -2/6, -3/6, देन -4/6, देन -5/6, देन -6/6, 6/6 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 और सो ऑन। आगे भी नंबर आएगा तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा नंबर था -5/6, देखो -5/6 और 7/6 दोनों नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी की तरह से प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो चुके हैं, और आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।